हेलो गाइस, दिस इज़ नवनीत महान। मैंने लास्ट वीडियो में राइस के कुछ इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बताया था, जैसे स्टेम बोरर, लीफ हॉपर्स, प्लांट हॉपर्स, केस वॉर्म और लीफ फोल्डर एक्सेट्रा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो राइस का नेक्स्ट पेस्ट है पैडी गालमेज। गाइस, ये इंसेक्ट ऑर्डर डिप्टेरा फैमिली सेसिडोमाइडी के सदस्य होते हैं। इनका साइंटिफिक नेम है ओरिसिलो ओराइजी। ये बहुत ही छोटे रेडिश कलर के फ्लाई होते हैं, जिनके पैर अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े होते हैं। ये कीट दिखने में मच्छर के समान दिखाई देते हैं। इनमें मुरली फॉर्म टाइप के जो एंटीने होते हैं, मुरली फॉर्म टाइप के पाए जाते हैं। गाइस, अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें, तो एडल्ट इंसेक्ट लेज एग नियर द लेग्यूल, और इनका जो हैचिंग पीरियड है वो 3 से 5 दिन का है। दैट मीन्स एक 3 से 5 दिन में हैच हो जाते हैं। मैगट बहुत ही छोटा होता है और फुली ग्रोन होने पर लगभग 3 mm लंबा होता है। ये लगभग 7 से 15 दिनों तक पौधों में फीड करता है। इसके पश्चात ये पौधों के अंदर ही प्यूपेशन में चला जाता है, और इनका प्यूपेशन प्यूपल स्टेज 3 से 5 दिन का होता है। एडल्ट होने पर ये केवल 3 4 दिनों तक ही जिंदा रहते हैं, और ये केवल वाटर ड्रॉप पे ही सरवाइव करते हैं। अगर हम इनके नेचर ऑफ डैमेज की बात करें, डैमेजिंग नेचर की, तो एक के हैचिंग के बाद मैगट लीफ शीथ के बीच में पहुंच जाता है और ग्रोइंग पॉइंट पे फीड करना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिल्वर शूट या ऑनियन शूट का निर्माण होता है और उनमें बालियां नहीं लगती। लार्वल सिक्रेशन से सेसिडोजेन नाम का एक पदार्थ सिक्रेट होता है, जो कि गाल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें, तो जो डैमेज टिलर्स होते हैं, डैमेज टिलर में ट्यूबुलर गाल बन जाते हैं, जो कि ड्राई हो जाता है और बिना बाली के होते हैं। मुख्य रूप से सिल्वर शूट ही इनका मुख्य पहचान होता है। सिल्वर शूट या फिर अन्य शूट के थ्रू ही इनको पहचाना जा सकता है। इनका अचानक से आउटब्रेक होने का कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है, जैसे कि अर्ली मानसून, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अबव 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेट ट्रांसप्लांटिंग, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जितने भी होते हैं वो इंसेक्ट पेस्ट और बहुत सारे डिशीज़ के लिए ससेप्टेबल होते हैं, और क्लोज़र प्लांटिंग स्पेसिंग। अगर हम इनके मैनेजमेंट की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस वेराइटीज़ का यूज़ करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस वेराइटी नहीं है, तो इनका ETL लेवल होता है 10% सिल्वर शूट। 10% सिल्वर शूट दिखाई देने पर प्लेटिगिस्टर ओराइजी पैरासिटॉइड है, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा का पैरासिटॉइड है, इसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे फैसलोन, कार्बोसल्फान, क्लोरपाइरिफास, फेप्रोनिल या थायोमेथोक्साम, इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें पोटास फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का कम से कम उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इंसेक्ट है ईयर हेड बग, या इसी को गंधी बग के भी नाम से जाना जाता है, लेप्टोकोराइजा एक्यूटा या फिर लेप्टोकोराइजा ओरेटोरियम। ये ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली एलिडीडी के सदस्य होते हैं। इनका जो एडल्ट होता है, ये अक्सर धान के खेत में फ्लावरिंग के समय दिखाई देते हैं। इनके एडल्ट हल्के ग्रीनिश ब्राउन कलर के होते हैं, और इनका शरीर जो है लंबा सिलेंड्रिकल होता है। ये लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। एडल्ट फीमेल जो है वो पत्तियों पर कतार में अंडे देते हैं। ये इनके अंडे 6 से 7 दिन में हैच हो जाते हैं। 6 से 7 दिन में अंडे से निम्फ बाहर आ जाते हैं। इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, इसीलिए इनमें निम्फ बाहर आते हैं। इनका लिम्फ लंबा सिलेंड्रिकल येलोइस कलर का होता है, और ये कीट जो है
मिल्क ग्रेन से सेब को शक करके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनका निम्फल स्टेज लगभग 15 दिन का होता है। ये कीट एक तीव्र गंध छोड़ते हैं, बहुत ही गंदा स्मेल छोड़ते हैं, जिस कारण इनको आसानी से पहचान जा सकता है खेत में, और इनके गंध छोड़ने के कारण ही इन्हें गंधी बग कहा जाता है। जनरली ये कीट फ्लावरिंग के जस्ट बाद दिखाई देते हैं, फ्लावरिंग के जस्ट बाद मिल्किंग स्टेज तक ये पौधों में अटैक करते हैं। अगर इनके सिम्टम्स की बात करें तो इनके सिम्टम्स चाफी ग्रेन्स, खाली ग्रेन्स बन जाते हैं, और जिनमें ग्रेन बनते हैं वो काले और भद्दे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। जिस फील्ड में गंधे बग का अटैक होता है वहाँ दूर से ही बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। गाइस, अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इनके मैनेजमेंट के लिए हमें क्विनाल फॉस 1.5D डस्टिंग करना चाहिए 25 kg पर हेक्टेयर के दर से, या फिर मेथाइल पैराथियन 2% डस्टिंग पाउडर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैलाथियन का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर NSKE नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट है स्वार्मिंग कैटरपिलर स्पोरोप्टेरा मॉरिशिया। ये इंसेक्ट फैमिली नॉक्टुडी ऑर्डर लेप्टोप्टेरा के सदस्य होते हैं। ये कट वॉर्म की तरह ही होते हैं, स्पोरोप्टेरा लिटोरिया की तरह। ये मीडियम साइज्ड ग्रेज ब्राउन कलर के इंसेक्ट होते हैं, जिनके पंखों पर ब्लैक स्पॉट बना होता है। इनके लार्वा वाइटिस ब्राउन कलर के होते हैं, और ये जो है एक से अधिक प्लांट के बेस पे दिखाई देते हैं। एडल्ट फीमेल घासों में या धान के पौधों में अंडे देते हैं। ये इंसेक्ट पौधों को नर्सरी स्टेज में या फिर ट्रेलरिंग स्टेज में नीचे बेस से कट करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इनका लाइफ साइकिल लगभग 45 दिन तक चलता है। इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इनका एक पीरियड लगभग 5 से 7 दिन का होता है। इसके पश्चात लगभग 15 दिनों तक कैटरपिलर प्लांट्स पे फीड करते हैं। गाइस, इनका टोटल लाइफ साइकिल लगभग 45 दिन का होता है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें नर्सरी में डक छोड़ देना चाहिए, बत्तख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बत्तख इन कीड़ों को एक एक कर पिक करके खा जाते हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं केरोसिन को। केरोसिन को एलिगेशन वाटर में मिक्स करके स्प्रे करने से इंसेक्ट सेफोकेट होकर मर जाते हैं। उसके अलावा क्लोरोपाइरीफास 20 EC, इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।